राम ने दी देशवासियों को बधाई, लोगों को सुख समृद्धि की करी कामना। अयोध्या में मनाया गया भव्य दीपोत्सव, 9 लाख से ज्यादा दीप जलाकर बनाया गया वर्ल्ड रिकॉर्ड, सीएम योगी आदित्यनाथ रहे मौजूद। दीपावली पर केंद्र की जनता को सौगात, पेट्रोल डीजल के दामों में की कटौती, केंद्र ने घटाई एक्साइज ड्यूटी। मेट्रो सेवा में बदलाव, डीएमआरसी ने जारी किया नया शेड्यूल, आज रात को 10 बजे तक ही मिलेगी मेट्रो की अंतिम सेवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। देश भर में आज दीपों का त्यौहार दीपावली मनाई जा रही है। लोग जहां एक तरफ बाजारों में जमकर खरीदारी कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ रोशनी के इस त्यौहार को अपनों के साथ मना रहे हैं। इस मौके पर सभी दलों के राजनेताओं की तरफ से देशवासियों को शुभकामना संदेश दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर देशवासियों के सुख और उनकी संपन्नता की कामना की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि दीपावली के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि ये प्रकाश पर्व आप सभी के जीवन में सुख संपन्नता और सौभाग्य लेकर आए। तो देश भर में आज दिवाली का त्यौहार मनाया जाएगा, जिसको लेकर सभी ने तैयारियां पूरी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दीपावली की बधाई दी है। इसके साथ ही कहा कि वो देश की और जनता की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए रूबी सिद्दीकी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रूबी, आज देश भर में दीपावली का त्यौहार मनाया जाना है, इसको लेकर अगर लखनऊ की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, तो यहाँ पर किस तरह की तैयारियां देखने के लिए मिल रही हैं? काजल, देखिए दिवाली को लेकर खास पहले से वो लोग उत्साहित थे, वजह यही थी कि कोरोना के वजह से इस बार मौका मिला तो बाहर निकलने का और जब फिर लोगों ने खरीदारी भी करी है। धनतेरस से ही मार्केट में भीड़ अच्छी खासी देखने को मिल रही थी। इसके साथ ही साथ दिवाली को लेकर वो खास तैयारी उनकी यही थी, दिए ज्यादा खरीदे गए हैं, कैंडल ज्यादा खरीदे गए हैं, इंडियन लाइट की वो ज्यादा देखने को मिली है, जो झालर लटकाए जाते हैं उसको लोगों ने ज्यादा खरीदा है। और कल छोटी दिवाली थी, छोटी दिवाली पे भी काफी लोगों ने अपने घर के बाहर दरवाजों पे दियो से ज्यादा सजावट की थी। उसके साथ लाइटिंग जो थी वो देखने लायक थी। लखनऊ के जितने तमाम ऐतिहासिक इमारतें हैं उन सभी को लाइटों से जगमगाया गया है और इसके साथ ही साथ विधानसभा हो या फिर लोक भवन हो, उन सभी को भी लाइटों से बिल्कुल पूरी तरीके से सजा दिया गया है। रात से ही यहाँ के जो रोशनी है पूरे लखनऊ उसमें डूबती हुई नजर आ रही है और आज बड़ी दिवाली है और तो बड़ी दिवाली में भी देखने का नजारा होगा, क्योंकि छोटी दिवाली इतनी खास थी कि आज का इंतजार खास है कि आज देखने लायक होगा कि लखनऊ की दिवाली किस कदर खास मनाई जाएगी। बिल्कुल, यानी कहा जा सकता है कि रूबी की जिस तरह से हम देख रहे थे कि 2020 में कोरोना की वजह से लोग दीपावली का त्यौहार जो है वो उतने उत्साह के साथ नहीं मना पाए थे, लेकिन इस बार दीपावली का जो त्यौहार है उसका उत्साह पहले से ही देखने के लिए मिल रहा है, बाजारों में रौनक देखने के लिए मिल रही है। और कल जिस तरह से अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया है, उसके बाद से उत्साह जो है और ज्यादा बढ़ गया है। रूबी, अगर लखनऊ की बात की जाए तो आप वहां पर मौजूद रहती हैं, ग्राउंड जीरो पर भी जाती हैं, किस तरह की बातें हो रही हैं दीपावली को लेकर? क्योंकि अभी बीते कई दिनों से महंगाई का दौर चल रहा था, लेकिन एकदम से कल शाम केंद्र की तरफ से जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं उनमें कटौती कर दी गई है, क्या राहत लोगों को लग रही है इस दिवाली के मौके पर? बिल्कुल काजल, क्योंकि कल की बात और मैं बता दूं आपको, कल योगी ने एक ऐलान और भी किया है कि राशन कुछ ऐसे हैं जिनको वो कम करेंगे, कुछ राशनों के उसमें भी कमी आएगी और खासतौर से दिवाली उपहार इन्होंने बोला है देने के लिए। और रही बात है जनता भी थोड़ी बहुत कल मायूस जरूर थी, जब मेरी बातचीत हुई थी तो उनका यही कहना था दिवाली बहुत मजबूरी भी मन रही है लेकिन मनाना जरूरी है, क्योंकि बच्चों के जो चेहरे होते हैं वो मुस्कान जो होती है वो देखने के लिए ही त्यौहार होते हैं और ऐसे त्यौहार अगर फीकी रह जाए तो फिर वो कोई बात नहीं होती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो महंगाई है वो मार जरूर पड़ेगी। हालांकि दुकानदार का भी यही कहना था कि सामान ला के रखे हुए हैं लेकिन इतनी बिक्री नहीं हो पा रही है, लेकिन उसका भी इस बात का है कि कोरोना के बाद अब मौका मिला है और कहीं ना कहीं अभी भी कोरोना काल में चल रहे हैं लेकिन धीमे धीमे बिक्री हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हो जरूर रही है।
कहा जा सकता है दिवाली है जरूर, मीठी जरूर है, लेकिन उतनी मीठी नहीं हो पा रही है जितनी होनी चाहिए, जैसे पहले हम लोग त्योहार मनाते थे। अब योगी सरकार का राशन पे थोड़ी बहुत राहत मिलना कहीं ना कहीं उपहार जरूर है जनता के लिए, लेकिन कह सकते हैं कि इतना ज्यादा भी राहत नहीं मिल सकता है जितना उम्मीद की जा रही थी। हालांकि जो लोग हैं, जो जनता है, दुकानदार है, उनका यही मानना है अगर थोड़ी बहुत और राहत मिली होती काश तो त्योहार और ज्यादा मीठा हो सकता था। ठीक है, बहुत शुक्रिया रूबी तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देश भर में आज दिवाली का त्यौहार मनाया जाएगा जिसको लेकर तैयारियां काफ़ी दिनों पहले से ही लोगों ने शुरू कर दी हैं। आज सुबह से ही लोग जो हैं जो कल बाज़ार नहीं पहुंच पाए थे भीड़ की वजह से, आज सुबह बाज़ारों में एक बार फिर से भीड़ उमड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजौरी के नौशेरा में एलओसी की अग्रिम चौकियों पर जवानों के बीच दिवाली मनाएंगे। साल 2019 में भी प्रधानमंत्री ने राजौरी में ही अग्रिम इलाके में दिवाली मनाकर जवानों का मनोबल बढ़ाया था। वीरवार को एलओसी के नौशेरा सेक्टर में प्रधानमंत्री का दौरा प्रस्तावित है, इसकी तैयारियां कर ली गई हैं। राजौरी पुंछ सीमा क्षेत्र में आतंकियों के खिलाफ 3 सप्ताह से जारी ऑपरेशन के बीच पीएम दौरे के चलते सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलओसी पर जाते हैं और वहाँ पर जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं और उनके मिठाइयाँ खिलाकर उनका मुंह भी मीठा करते हैं। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 5वें दीपोत्सव की भव्य तस्वीर दिख रही है और 12 लाख दिए जलाए गए हैं, तो वहीं अयोध्या में सरयू घाट पर दीपोत्सव कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज हमने 9 लाख दीप राम की पैड़ी और 3 लाख दीप अयोध्या के मठ और मंदिरों में जगमगाए हैं, इससे भी बड़ी संख्या में दीप जगह जगह जले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने इस मौके पर किसानों को याद किया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने छोटी दिवाली के मौके पर दिया जलाया। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि आइए जलाएं एक किसान स्मृति दीप। लखीमपुर के किसानों की शहादत के 1 महीने पूरे होने के नम याद में और अन्नदाता के मान और सम्मान में। तो जहां एक तरफ योगी सरकार दीपोत्सव मना रही थी तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव किसानों के लिए एक दीप जलाने की बात कर रहे थे। अयोध्या में दिवाली मनाने के बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे। वो यहाँ हर साल की तरह इस बार भी गोरखपुर के वन ग्राम जंगल तिकोनिया में वनटांगिया परिवारों के साथ दीपावली मनाएंगे। इस दौरान गोरखपुर महाराजगंज के करीब 4000 से ज्यादा वनटांगिया कार्यक्रम स्थल पर जुटेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री वनटांगियों को 3.27 करोड़ की 3 विकास परियोजनाओं की सौगात भी दे सकते हैं। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को मंच पर उपहार के साथ योजनाओं का स्वीकृति पत्र भी सौंपेंगे। योगी आदित्यनाथ अयोध्या से आज सुबह करीब 11 बजे हेलीकॉप्टर से सीधे जंगल तिकोनिया पहुंचेंगे। वहां बने जोमन हैंगर में गोरखपुर के 5 वन ग्राम और महाराजगंज के 18 वन ग्राम के 4000 से ज्यादा वनटांगियों को मुख्यमंत्री संबोधित भी कर सकते हैं। सरयू किनारे राम की पैड़ी पर अद्भुत अप्रतिम मनोहारी दिव्य दीपोत्सव ने समूचे विश्व को मोह लिया है। विदेशी राजदूतों समेत 10,000 मेहमान और 20,000 से ज्यादा अवध के युवा तो साक्षी थे ही। ई प्लेटफॉर्म पर करोड़ों दर्शक प्रभु राम की राजगद्दी संभालने के बाद इस खुशी के गवाह भी बने। दीपों की माला से रोशन अयोध्या धाम में न सिर्फ एक साथ सर्वाधिक 9,41,551 दीप प्रज्वलित होने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। तो अयोध्या में भव्य दीपोत्सव मनाया गया जिसमें राम की पैड़ी पर सरयू तट पर 9 लाख से ज्यादा दीप प्रज्वलित किए गए और इसको जलाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बार फिर से दीपोत्सव ने बनाया है। इसके अलावा अगर बात की जाए पूरे अयोध्या में दीप जलाने की तो करीब 12 लाख से ज्यादा दीप जलाए गए थे। तो दीपोत्सव की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, बेहद ही मनमोहक आकर्षक और खूबसूरत ये तस्वीरें दिखाई दी थी और ये लेजर शो लाइटिंग शो जिसने पूरे विश्व का मन मोह लिया है।
9 लाख से ज्यादा दीपक यहां जलाए गए। तमाम मेहमान यहां पर मौजूद थे और सिर्फ कुछ हजार ही नहीं, करोड़ों देशवासी और कुछ विदेशों से भी लोग इसके साक्षी बने हैं और इसका लुत्फ उठाया। तो पूरी अयोध्या नगरी राम में होती हुई नजर आई और राम के रंग में रंगी हुई नजर आई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को कोविड-19 टीकाकरण अभियान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक वर्चुअल बैठक में भाग लेने के बाद पीएम मोदी को पत्र लिखा है। सीएम ने उस पत्र में पीएम मोदी से 1 करोड़ टीकों की खुराक और हर महीने इतनी सिरिंज की मांग की है। सीएम बघेल ने समीक्षा बैठक करने के लिए मोदी को धन्यवाद दिया, लेकिन कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला है, इसलिए वो इसे लिखित रूप में रख रहे हैं। तो सीएम बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और हर महीने 1 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बैठक में बातचीत हुई, लेकिन समस्या ये है कि अब भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी है और इस वजह से ये वैक्सीन की 1 करोड़ की मांग लगातार कर रहे हैं कि हर महीने 1 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध की जाए ताकि जनता तक वैक्सीनेशन प्रॉपर पहुंच सके। केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक्साइज ड्यूटी में कमी का ऐलान करने के बाद कई राज्यों ने इसके दाम घटाने का ऐलान शुरू कर दिया है। बिहार, असम और त्रिपुरा सरकार ने वैट में कमी का ऐलान करके आम आदमी को राहत दी है। वहीं हिमाचल सरकार ने भी कहा है कि वो जल्द ही वैट कम करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी पेट्रोल और डीजल के दाम 12 रुपए प्रति लीटर घटेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में ये बात कही गई है। वहीं गुजरात में मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार राज्य में पेट्रोल और डीजल पर 7 रुपए प्रति लीटर घटाने का ऐलान भी किया गया है। तो दिवाली से पहले ही एक बड़ा तोहफा कल केंद्र की तरफ से आम जनता को मिला है और अब धीरे धीरे जो राज्य सरकारें हैं वो भी कहीं ना कहीं दामों में कटौती करती हुई नजर आ रही है। तो जहां केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी तो वहीं वैट पर राज्य सरकारें जो हैं वो कमी करते हुए नजर आएंगे, यानी कि 5 से 6 रुपए की छूट जो है वो पेट्रोल डीजल के दामों में मिल सकती है अलग अलग राज्यों में। बीते काफ़ी दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे थे। किसी राज्य में पेट्रोल 110 रुपये प्रति लीटर था तो वहीं किसी राज्य में 106-107, लेकिन अब जनता को थोड़ी राहत मिल सकती है। कोरोना महामारी के बीच अब डेंगू संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ रहा है। पहली बार दिल्ली के अस्पतालों में डेंगू संक्रमण का चौथा स्ट्रेन भी मिला है जो एक साथ पूरे परिवार या फिर एक से अधिक सदस्यों को चपेट में ले रहा है। इससे पहले दिल्ली एम्स ने डेंगू के स्ट्रेन 2 यानी कि D2 के प्रसार की पुष्टि की थी, लेकिन अब अस्पतालों में दोनों ही तरह के स्ट्रेन मिल रहे हैं जिन्हें डॉक्टर काफी गंभीर मान रहे हैं। दिल्ली सरकार के लोकनायक अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार का कहना है कि डेंगू संक्रमण के 4 स्ट्रेन होते हैं जिनमें से दूसरा और चौथा काफी गंभीर और जानलेवा हो सकता है। फिलहाल दोनों ही स्ट्रेन संक्रमित मरीजों में मिल रहे हैं। हालांकि ये भी स्थिति है कि OPD में बुखार और अन्य लक्षणों से ग्रस्त योजना 200 से 300 मरीज आ रहे हैं, लेकिन सभी डेंगू प्रभावित नहीं मिल रहे। इन्हें वायरल या फिर अन्य तरह की मौसमी बीमारी भी हो सकती है। चूंकि इन सभी बीमारियों के लक्षण लगभग एक जैसे हैं, इसलिए मरीज को घबराने की जरूरत नहीं है। तो दिल्ली में डेंगू का चौथा स्ट्रेन मिला है और ये इससे पूरे परिवार को खतरा हो सकता है, यानी कहा जा सकता है कि डेंगू लगातार राजधानी में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके प्रकोप को रोकने के लिए दिल्ली सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन अस्पतालों में जो संख्या है डेंगू के मरीजों की वो बढ़ रही है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन दिवाली के मौके पर मेट्रो रेल सेवा के समय में बदलाव करता है। दीपावली के दिन रात के समय ही सेवाओं को बंद कर दिया जाता है। इस बार भी दीपावली के मौके पर मेट्रो रात 10 बजे तक ही सेवाएं देगा। टर्मिनल से रात 10 बजे अंतिम ट्रेन चलेगी, ग्रीन लाइन पर आखिरी गाड़ी 9 बजे ही होगी।
दिवाली के दिन मेट्रो की ग्रीन लाइन को छोड़कर बाकी सभी लाइनों पर अंतिम सर्विस रात 10 बजे तक ही उपलब्ध होगी। सामान्य दिनों में ये सेवाएं रात के 11 बजे तक उपलब्ध रहती हैं, मगर दिवाली पर मेट्रो सेवा एक घंटे पहले ही बंद कर दी जाएगी। दिल्ली मेट्रो के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने संबंध में जानकारी दी है कि दिवाली के दिन बाकी ट्रेनों की जिस तरह से चलती हैं वैसे ही चलेंगी, लेकिन समय की जो अवधि है वो थोड़ी कम कर दी गई है। यानी कि पहले 11 होती है और अब 10 बजे तक ही अंतिम मेट्रो जो है वो आपको मिल सकेगी। यानी कि 10 बजे तक ही मेट्रो की सेवाएं आप ले सकते हैं, उसके बाद अगर आपको कहीं जाना है तो आपको मेट्रो नहीं मिलेगी और ग्रीन लाइन को छोड़कर बाकी कोई भी लाइन आपको 10 बजे के बाद नहीं मिलेगी। तो समय जो है उसमें बदलाव किया गया है, जो शेड्यूल है उसमें भी बदलाव किया गया है। देश में हर ओर दिवाली की धूम दिखाई दे रही है। वहीं इसी बीच यूपी के गाजियाबाद में भी दिवाली को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं। बाजारों में भी दिवाली के चलते दुकानों को काफी भीड़ में देखा जा सकता है। वहीं गाजियाबाद के बाजारों का भी हालचाल जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम ने। देखे आज छोटी दिवाली का त्यौहार है, ऐसे में बाजारों में भी रौनक देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं गाजियाबाद के राजनगर सेक्टर 10 की मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ से मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से बाजारों को सजा दिया गया है। बिल्कुल शहर को एक दुल्हन की तरह सजाया गया है और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो दिवाली में यूज़ होने वाली हैं उनको पूरी तरह से सजा दिया गया है और लोग भी धीरे धीरे मार्केट में आना शुरू हो गए हैं। ऐसे में सबसे अच्छी बात ये है कि इस वक्त यहाँ पर जो है लोग जो भी आ रहे हैं वो कोरोना प्रोटोकॉल का भी ध्यान रख रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आप देखेंगे किस तरह से खरीदार यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं। ये सारी तस्वीरें गाज़ियाबाद की हैं। कुछ दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि किस तरह का इस बार दिवाली का सीज़न जा रहा है। जी सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम राजू है। राजू जी किस तरह का दिवाली का सीज़न जा रहा है? दिवाली आज छोटी दिवाली है, किस तरह की खरीदारी हो रही है, लोग किस तरह से आ रहे हैं? बहुत अच्छी खरीदारी कर रहे हैं लोग, मार्केट में आ रहे हैं, खुशियाँ से आ रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं क्योंकि लास्ट ईयर अच्छी तरह से मना नहीं पाए थे तो कोशिश है लोगों की अच्छी तरह मनाएं कि पिछली बार की कसर इस बार पूरी हो जाएगी। इस बार पूरी कसर हो जाएगी, दिवाली अच्छी से लोग मनाएंगे और हिंदुओं का हमारा बड़ा त्यौहार है तो उम्मीद करते हैं अच्छा बनेगा। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो है खरीदार भी लगातार आ रहे हैं। मैं एक बार फिर आपको तस्वीरों में दिखा देता हूँ इस बार मार्केट में क्या क्या नया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो दीवले हैं, दिए हैं, वो भी मार्केटों में सज चुके हैं। और इसके अलावा अगर आप मूर्तियों की बात करेंगे तो भगवान लक्ष्मी और गणेश की एक से एक आकर्षक मूर्तियां यहां पर हैं। इसके अलावा अगर घरों को सजाने की बात की जाए तो हर एक अच्छी से अच्छी झालर आपको इस तरफ मिल जाएगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो लोग पिछली बार दिवाली नहीं मना पाए थे क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल थे और उसके साथ साथ लॉकडाउन के चलते जिन लोगों की जॉब छूट हुई थी तो उसके चलते भी बहुत से ऐसे लोग थे जो दिवाली पूरी तरह से सेलिब्रेशन नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार कोरोना भी कम है और लोगों के पास अब धीरे धीरे उनका रोज़गार भी मुहैया होता जा रहा है जिसके चलते अब बाज़ारों में रौनक देखने को मिल रही है। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। मथुरा में दिवाली के त्यौहार को लेकर जहां बाजारों में थोड़ी सी भीड़ दिखाई देने लगी है तो वहीं इस बार महंगाई का असर भी दिवाली के त्यौहार पर साफ देखा जा रहा है। बता दें कि त्यौहार को देखते हुए बाजारों में दुकानें सज चुकी हैं और लोगों की भीड़ बाजारों में दिखने लगी है। तो दिवाली पर बाजार सजे हुए हैं, लोगों की भीड़ भी नजर आ रही है, हालांकि महंगाई का असर जो है वो जरूर नजर आ रहा है। कानपुर में मिठाइयों के नाम पर बड़े बड़े शोरूम खोलकर बैठे रसूखदारों ने खाद्य विभाग के नियम ना मानने की कसम खा रखी है। बता दें कि यहाँ के कुछ बड़े दुकानदारों के यहाँ मिठाई की दुकानों पर बनने वाली मिठाई के ऊपर बेस्ट बिफोर और मैन्युफैक्चरिंग की डेट ही गायब है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ मिठाइयाँ धड़ल्ले से बेची जा रही हैं। हर साल दिवाली के मौके पर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं जहाँ पर मिठाइयों के नाम पर ना तो एक्सपायरी डेट होती है और ना ही कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी मिठाइयाँ धड़ल्ले से बेच दी जाती हैं। हालांकि खाद्य विभाग की अगर बात की जाए तो खाद्य विभाग लगातार छापेमारी करता है और दिवाली से पहले अलर्ट भी हो जाता है, उसके बावजूद भी कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो आसानी से इन मिठाइयों को बेच देते हैं।
इतने सारी टीमों को निर्देशित कर रखा है कि आप लोग जब भी मिठाई की दुकानों का निरीक्षण करें, जांच करें, चेक करें, तो उनके कारखाने अवश्य चेक कर लें, उनके उनके जो स्टॉक है उनको चेक करें कि कब खोया खरीदा गया था और कब का खोया खरीदा है, मिठाई कब बनी थी, और साथ में बेस्ट बिफोर डेट वगैरह भी देखें कि कब उन्होंने लगाया हुआ है कंटेनर पर कि नहीं लगाया है, और उनसे पूछताछ करके ही हम लोग इस पर पहुंचते हैं कि नहीं मिठाई भी ताजी बनी है, और बाकी उसका फिजिकल हम लोग जांच भी करते हैं। चलिए अब बात करते हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की खबर के असर के बारे में। खबर का असर हुआ है नैनीताल के शेवानी में, जहां साईं बाबा बार के खस्ता हाल को लेकर हमने आवाम की आवाज़ को जिम्मेदार विभाग के सामने रखा था, जिसके बाद सोया हुआ विभाग हरकत में आया। अब इसके डमरियाकरण का काम भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि ये खबर हमने 27 सितंबर को प्रमुखता के साथ दिखाई थी, जिसका असर हुआ है। तो न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला नैनीताल में, जहां डामरीकरण सड़क का हो चुका है। दरअसल ये जो सड़क थी वो पूरी तरह से खस्ता हाल थी, ऐसे में ग्रामीण काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, और अब ग्रामीणों ने सीएम का आभार भी व्यक्त किया है। आपको बता दें कि इस खबर को न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद ग्रामीणों को राहत मिली है और एक नई सड़क भी मिली है। उत्तराखंड सरकार, भारतीय जनता पार्टी, पुष्कर सिंह धामी जी जब नैनीताल आगमन पर आए थे, तो हमने उनसे एक आवेदन पत्र देकर, एक ज्ञापन देकर क्षेत्र की समस्या से अवगत कराया, जिसमें शेरवानी संपर्क मार्ग और चिड़ियाघर और बिल्डा रोड जो है वहाँ की जीर्णोद्धार करने के लिए, डामरीकरण करने के लिए हमने मांग की थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत जो है उसमें आनन फानन में जो है यहाँ के लिए धन स्वीकृत करवाया, और प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग के द्वारा जो है इसमें काम हो रहा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।